लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को यूपी और महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 सीट जीतने में कामयाब हो पाई, जबकि वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ली है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद से मुक्त करके संगठन में काम करने की अपील अपने शीर्ष नेतृत्व से की है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मिली हार मेरी जिम्मेदारी है, ये सेटबैक जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व से अपील करूंगा कि मुझे राज्य सरकार में दी गई सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करे। मैं पार्टी में संगठन के लिए पूरे तरीके से काम करना चाहता हूं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे समय काम करूंगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, उम्मीद से काफ़ी कम सीटें मिली। राज्य में हमारी लड़ाई महाविकास आघाड़ी के 3 दलों से थी। आपको कुछ हद तक नैरेटिव के खिलाफ लड़ना होगा। एक नैरेटिव बनाया गया है कि संविधान बदल दिया जाएगा। हम इस अफवाह को उतना नहीं रोक पाए जितना हमें रोकना चाहिए था। संविधान बदलने की कहानी रची गई। उन्होंने महाविकास आघाड़ी को अधिक सीटें मिलने पर बधाई दी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पंडित नेहरू के बाद मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। भारत में एनडीए सरकार आ रही है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। 62 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार आ रही है। अरुणाचल में बीजेपी की सरकार आ गई है। फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने बीजेपी को एनडीए को वोट दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी 28 सीटों पर लड़ी थी, जबकि शिवसेना 15 और एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी। इसमें से बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीट जीतने में कामयाब हुई। यानी महाराष्ट्र में एनडीए 17 सीट पर ही सिमट गई। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने 13, शिवसेना उद्धव गुट को 9 और एनसीपी ने 8 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है।